दोस्तों, क्या आपने झांसी बाज़ार को सब्सक्राइब किया? अगर किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल झांसी बाज़ार, बाज़ार ऑफ झांसी सब्सक्राइब करिए। नीचे दिए हुए रेड बटन में लिखा है जो सब्सक्राइब, उसे दबाइए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा छोटा सा, उसके बगल में उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरी मेहनत से बनाए हुए वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचें और आप उसका पूरा पूरा आनंद ले सकें। Please subscribe, okay? Please subscribe, subscribe. Thank you. Good evening, my friends in and around Jhansi. मैं संकेत कंचन झांसी बाजार से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करता रहता हूँ रिगार्डिंग सोशल मीडिया, और कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा प्रचार कर सकूँ और थोड़ा इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके, चाहे वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी हो या वो यंगस्टर्स हों जो आगे इस लाइन में कुछ करना चाहें। देखिए, एक छोटा सा नंबर फेंकूंगा आपके सामने, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। झांसी की पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन इज अराउंड 5 लैक्स, ओके? नाउ इसमें अगर आप देखें, जो हम लोग चेक करते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये 3 चीज़ें मिला लें तो 4.25 लाख लोग, 4.25 लाख लोग, 4.25 लाख पीपल आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब आप बताइए, अगर आपको कोई भी अपनी स्कीम चलानी है, कोई भी अपना लॉन्च दिखाना है और कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? वो भी तब जब ये सारी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, सब मोबाइल फोन के जरिए आप कन्वीनियंस देते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो कभी भी देख सकते हैं, मोबाइल फोन उठा करके कभी भी उसे चेक कर सकते हैं और एक बार नहीं 2500 बार देख सकते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, बिकॉज एक, इसकी रीच बहुत ज्यादा है, दूसरा, इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स आप दिखा सकते हैं, मैसेज का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। लिसन, आई टुडे वांटेड टू टॉक अबाउट 6 रीजंस टू यूज सोशल मीडिया, और वो 6 रीजंस हैं। कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस, आप अपना ऑडियंस पहचाने, बिना ऑडियंस पहचाने आप खो रहे हैं, आप सही मैसेज सही जनता तक नहीं लेके जाएंगे तो आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो उसका पूरा लाभ आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपने जो पैसा लगाना है एडवर्टाइजिंग पे, वो आपका टारगेट मार्केट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, और उस पर लगाने से आपको नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे, और ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से हो सकती है। कस्टमर एंगेजमेंट, अब आप देखिए कस्टमर एंगेजमेंट, आजकल आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी बनती है, कोई भी नई चीज आती है, वो शुरू से पहले उसके टीजर्स आ जाते हैं, उसके शुरू से प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं जहां वो डिस्कशन हो रहा है, जनता के साथ दिखाते हैं कि उन्होंने क्लिप टीजर निकाल दिया, उस पर रिमार्क्स आ रहे हैं, तो एक एंगेजमेंट शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट अभी आया नहीं है, वो शोरूम पे भी नहीं है, वो प्रोडक्ट शॉप पर भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात चल रही, एक चर्चा चल रही है, बस चल रही है, जिसकी वजह से जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपके पास एक हुजूम होता है, ऑटोमेटिकली आप बताते हो कि ये चीज आ गई है तो वो वहां तक पहुंचता है। जो पहले वर्ड ऑफ माउथ करता था, एडवर्टाइजमेंट्स ऑन न्यूज़पेपर करते थे, चूंकि आज समय का अभाव है सबके पास, तो ये चीज सोशल मीडिया के थ्रू होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है और मल्टीप्लाई भी करता है, इसलिए आपके पास एक ऑडियंस अपने आप बन जाती है और वो आपके पास पहुंचती है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसे हम कस्टमर एंगेजमेंट कहते हैं। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, तो पहले हम जब बड़े बड़े शोरूम जाते थे तभी हमें ब्रांड के बारे में मालूम पड़ता था, जब उनके सेल्समैन हमको समझाया करते थे, आजकल आप देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जो ब्रांड के ओनर्स हैं, जो ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोटर्स हैं, वो ब्रांड के बारे में कितनी बातें करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके क्या क्या चीजें से वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाया है, तो दे आर टेकिंग द ओनरशिप टू एक्सप्लेन अबाउट द ओन देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो वो लोग खुद अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं कि ब्रांड कितना पुराना है, कैसे लोगों का विश्वास जीता है, और इस तरह से ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया डायरेक्ट राइट ऑडियंस के पास जा रही है। तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडवर्टाइजिंग, अब पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आना आज भी आ रहा है, पेपर में स्लिप ऑन भेजना आज भी हो रहा है, लेकिन क्या हमें इससे इसका नतीजा हमें पड़ता है कि किसने, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसको रीड किया? नहीं ना। तो जब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करते हैं तो आपको उस पर एक चांस होता है, आपको मालूम पड़ता है कि आपने कितना किया, उसका नतीजा कितना आया, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर ऑडियंस इज सेइंग, व्हाट योर ऑडियंस इज and what is the expectation of the customers, because they are commenting on it, they want whatever things they want from the product they are putting on it, so you get to know how to place your product,
That is where the advertising comes into the role. और social media marketing से अच्छी advertisement हो ही नहीं सकती कहीं, because आप सही target market को वो कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, focus दे रहे हैं और उनको सही तरीके से message पहुंचा रहे हैं. Graphic designs आपको help कर रही है उनका attention catch करने के लिए और उस तरीके से आप message बढ़ा रहे हैं. Drive traffic and sales. तो हम जब social media करते हैं तो हम schemes उन तक लेके जाते हैं. Schemes के थ्रू ज़्यादा sales generate होने के chances बढ़ जाते हैं. तो ये सब होने की वजह से social media में जब हम schemes जल्दी पहुँचा रहे हैं, word of mouth ही फैल रहा है, तो उसके वजह से हमारे sales पे असर पड़ता है. ये हमने ऑडियंस बढ़ा लिया, हमने उनके हिसाब से चेंजेस कराए प्रोडक्ट में, उसके बारे में बात करी, तो उस वजह से हमारी सेल्स बढ़ती है, दूर तक जाती है, उसके बारे में चर्चा होती है और जिस पे चर्चा होती है वही देखा जाता है, वही खरीदा जाता है. तो दैट इज हाउ यू बिल्ड ट्रैफिक एंड सेल्स ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग. इम्प्रूव कस्टमर सर्विस. आजकल प्रोडक्ट लेने के बाद आपको किसी को ये नहीं मालूम होता कि कैसे हमें इसके ऊपर कस्टमर सर्विस अच्छी करना है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग से कंपनीज ने कब कैंप लगा रहे हैं, वो किस चीज के लिए कैंप लगा रहे हैं, अगर रेनी सीजन आ रहा है तो गाड़ियों को कैसे बचाना है, उसके लिए फ्री कैंप चल रहा है, तो आपको उसमें जाकर के मालूम पड़ जाता था. तो कस्टमर सर्विस एक उस लेवल पर पहुंच गई है. गर्मियों से पहले आप एसी चेक कराइए, उसका कैंप लगा है, तो उस वजह से आप गर्मियों में जाकर के फ्री एसी चेकअप करा लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. तो सोशल मीडिया से वो वहां तक मैसेज पहुंचा देते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनके प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उनका उनको वो रजिस्टर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि वो हाईलाइट कर सके सोशल मीडिया पे कि कैसे वो कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं और उससे बेहतर कस्टमर सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद जाकर के डिक्लेयर कर रहे हैं, खुद जाकर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, इसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारे छह रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग को के बारे में सोचना चाहिए. और झांसी में जो जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो बाहर की चेंज आ रही है, वो ये सब समझती हैं, उन्होंने छोटे शहरों में देखा है ये चीज चेंज होते हुए और वो इस चीज को अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं ढाल चुकी है. हमारे झांसी के बिजनेसमैन को और हमारे झांसी के युवाओं को भी इस पे थोड़ा समझना पड़ेगा और इसको आगे ले जाना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द थिंग टूडे एंड इट्स अ वेरी स्ट्रांग प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, टॉक अबाउट योर बिजनेस विद योर ऑडियंस, राइट ऑडियंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.